मौजूदा दौर में सिर्फ दो ही किंग चल रहे हैं, क्रिकेट के किंग विराट कोहली और बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान। जी हाँ, शाहरुख खान ने अपने 57th जन्मदिन के मौके पर अपने फैंस को एक खास तोहफा दिया है। जी हाँ, उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म पठान का टीजर रिलीज कर दिया है। यशराज फिल्म्स ने पठान का टीजर रिलीज कर किंग खान के फैंस को जबरदस्त तोहफा दिया है। फिल्म के टीजर में शाहरुख का पहले वाला स्वैग देखने को मिल रहा है, जिसे देखने के बाद फैंस बोल रहे हैं कि किंग खान इज बैक। टीजर में शाहरुख खान खून से लथपथ दिखाई दे रहे हैं। फिल्म में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण का भी जबरदस्त अंदाज देखने को मिल रहा है। पठान फिल्म के टीजर को हिंदी के अलावा तमिल और तेलुगु में भी रिलीज किया गया है। आपको बता दें कि शाहरुख खान के फैंस लंबे समय से अपने स्टार को स्क्रीन पर देखने का इंतजार कर रहे हैं। फिल्म पठान से शाहरुख खान न सिर्फ वापसी करते दिख रहे हैं, बल्कि अपनी रोमांस किंग वाली इमेज से हटकर एक्शन अंदाज में नजर आ रहे हैं। इस टीजर की शुरुआत एक आवाज के साथ होती है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि पता नहीं पठान जिंदा भी है या मर गया। तभी खून से लथपथ शाहरुख का चेहरा सामने आता है और वो कहते हैं, पठान जिंदा है। जिंदा है। शाहरुख ने इस टीजर को रिलीज कर इंस्टाग्राम पर लिखा, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। पठान फिल्म के टीजर में एक्शन और VFX का जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि फिल्म पठान को 3 भाषाओं यानी हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज किया जाएगा। अब ये पठान सिनेमा घरों में क्या कमाल दिखाती है, इसके लिए तो फिल्म के रिलीज होने का ही इंतजार करना होगा। एंटरटेनमेंट डेस्क, द भारत TV।